नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। तो चलिए शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 खबरों की। रमजान की शुरुआत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बधाई, कहा ये महीना समाज में शांति, सद्भाव और करुणा की भावना को बढ़ाए। रमजान पर महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे का बड़ा बयान, कहा मस्जिद से हटाओ लाउडस्पीकर वरना बजाएंगे हनुमान चालीसा। पीएम देउबा के साथ शिखर वार्ता में पीएम मोदी का दोस्ताना संदेश, नेपाल में सीमा विवाद का हो रणनीतिकरण। पीएम मोदी और देउबा ने दिखाई हरी झंडी, 2 घंटे में जयनगर से जनकपुर पहुंची ट्रेन, हजारों लोगों ने किया स्वागत। बिजली क्षेत्र में नेपाल और भारत के बीच बड़े सहयोग की जमीन तैयार, पीएम मोदी और देउबा ने विजन प्रपत्र किया जारी। सपा के विधायक शिवपाल सिंह यादव का भाजपा के नेताओं के प्रति अचानक बढ़ा प्रेम, सोशल मीडिया पर किया फॉलो। अगले साल 14 नए मेडिकल कॉलेजों से लैस होगा उत्तर प्रदेश, स्वास्थ्य सुविधाओं को मिलेगी बूस्टर डोज। उत्तर प्रदेश में फिर एक्टिव हुआ एंटी रोमियो स्क्वाड, सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर ले रहा छात्राओं से फीडबैक। अखिलेश यादव का भाजपा सरकार पर तंज, कहा निकाय चुनाव तक पेट्रोल की कीमत होगी। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा भाजपा राज्य में जनता महंगाई से परेशान है। वुहान से भी खराब हो सकती है शंघाई की स्थिति, लगातार बढ़ते कोरोना के मामलों ने बढ़ाई पेरेंट्स की चिंता। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर नासा का पहला मिशन A1, भेजे जाएंगे 4 अंतरिक्ष यात्री। श्रीलंका में आपातकाल के बाद मौलिक अधिकारों का हनन शुरू, अब सोशल मीडिया पर लगाई गई देशव्यापी पाबंदी। श्रीलंका में आपातकाल के बीच राष्ट्रपति ने लगाया 36 घंटे का लॉकडाउन, सेना को मिली विशेष शक्तियां। इमरान की सत्ता के खतरे के बीच पाक सेना प्रमुख जनरल बाजवा का बड़ा बयान, कहा भारत के साथ सभी विवादों को बातचीत के जरिए सुलझाने को तैयार। वर्ल्ड कप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया की विकेट कीपर का धमाका, तोड़ डाले सारे पुरुष और महिला दिग्गजों के रिकॉर्ड। ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप फाइनल में इंग्लैंड के सामने 357 रनों का लक्ष्य रखा, हेली ने खेली ऐतिहासिक पारी। वर्ल्ड कप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया की एलिसा हेली ने खेली शानदार शतकीय पारी। ऋषभ पंत ने गुजरात के खिलाफ मिली हार के लिए बल्लेबाजों को ठहराया जिम्मेदार। गुजरात ने दिल्ली को 14 रनों से हराया, दर्ज की लगातार दूसरी जीत। मलाइका अरोड़ा कार एक्सीडेंट के बाद अस्पताल में भर्ती, हादसे में 3 वाहन टकराए। आर्यन खान ड्रग्स मामले में बड़ा मोर, गवाह प्रभाकर सेल के हार्ट अटैक से मौत, जांच के आदेश दिए गए। अभिषेक बच्चन ने आराधना की स्मार्टनेस का श्रेय दिया पत्नी को, बताया घर पर ऐश्वर्या राय कैसे रखती है बेटी का ध्यान। रैपर बादशाह ने शिल्पा शेट्टी के चैट शो पर किया खुलासा, डिप्रेशन का हो चुके हैं शिकार।
आलिया रणबीर इसी महीने लेंगे साथ फेरे वेडिंग वेन्यू से। पापा ऋषि कपूर का है खासा कनेक्शन। मिनट की 25 खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।